हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसओएमपी। आज हमारे बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 एंड 3 इन दीज सब टॉपिक्स, एंड दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो लेट अस सी कि कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया है उसमें एक इंडेक्स के बारे में मेंशन किया गया है विच इज नोन एज बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। बेयर नेसेसिटीज का मतलब है जरूरी आवश्यकताएं, द मिनिमम रिसोर्सेज विच इज नेसेसरी, जैसे कि हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल। सो दीज आर फ्यू बेयर नेसेसिटीज विच इज कंज्यूम्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। सो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इट हैज अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंटेक्स्ट। थोड़ा और जानते हैं बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, बेयर नेसेसिटीज दैट इज बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा, दीज आर वेरी मच नेसेसरी। ये बहुत जरूरी है और हर इंसान के लिए। और अगर हमें ये बेसिक नीड्स मिल रहा है तो अ पर्सन विल बी हेल्दी। वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग अंडर नरिश्ड एंड अनहेल्दी, एंड ऑटोमेटिकली इफ अ पर्सन इज हेल्दी इट विल हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनमी। सो ये जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है ये एक अटेम्प्ट है टू क्वान्टिफाई दिस अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज इट एक्चुअली मेजर्स और इट एक्चुअली ये दर्शाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारा टू द एक्सेस ऑफ दीज बेसिक नीड्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इसने BNI ने डेटा लिया है फ्रॉम द NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो इट हैज क्रिएटेड ऑल द स्टेट्स फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज बाय एम्प्लॉइंग डेटा एट द स्टेट लेवल। ऑल्सो ये जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है इसने 3 लेवल पे डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज रूरल, अर्बन एंड ऑल इंडिया लेवल। इट हैज समराइज्ड 26 इंडिकेटर्स ऑफ ऑन 5 डायमेंशंस। ये 5 डायमेंशंस हैं वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। एक्चुअली ये जो BNI डेटा है ये 2 साल का किया गया है, दैट इज 2012 का और 2018 का। तो इन दोनों सालों का साल का डेटा को कंपेयर किया गया है। ऑल्सो ये जो इंडेक्स है इट क्लासिफाइज एरियाज ऑन 3 लेवल्स ऑफ एक्सेस ऑफ बेयर नेसेसिटीज, दैट इज हाई, मीडियम एंड लो। So this is all about the bare necessities index. Let us see few key findings. So as you can see in this map, ye hai 2012 ka BNI index and this is 2018 ka. So jo ye red marking hai, this is actually ye measure kiya jata tha 0 to 1. 1 matlab bahut zyada access hai, matlab completely access hai hamare bare necessities ka. 0 matlab bilkul bhi nahi hai. So agar 0.5 से कम है तो इट इज रेड, येलो इज फ्रॉम दिस टू दिस एंड अबव 0.7 इज द ग्रीन कलर मार्क्ड स्टेट्स। सो यू कैन सी कि काफी वेरिएशंस है, बहुत सारे स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसका डेटा, इसका जो इंडेक्स है ये इम्प्रूव हुआ है, इवन बिहार एंड वेरियस अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल। इनफैक्ट स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इसका भी अपग्रेड हुआ है एंड इट हैज रेज्ड टू द लेवल ऑफ मोर देन 0.7। सो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सेस है हमारा बेयर नेसेसिटी इंडेक्स का फॉर द हाउस होल्ड इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, मतलब इट हैज इम्प्रूव्ड इफ वी कंपेयर विद द ईयर ऑफ 2012। ऑल्सो दिस एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज इज हाईएस्ट इन द स्टेट सच एज केरला, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, while it is lowest in Odisha, Jharkhand, West Bengal and Tripura. थोड़ा और key findings देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, the access to the water, housing, sanitation, micro environment and other facilities ये improve हुआ है 2018 में as compared to the year 2012. Also, there has been improvement in access seen across all the states in the country. हर state में कुछ ना कुछ improvement हुआ ही है to the access of these bare necessities. Interstate disparity भी कम हुई है. Also, ये जो improved access है, it has improved disproportionately more in the poorest household
व्हेन वी कंपेयर इट विद द रिचेस्ट हाउसहोल्ड, मतलब पुअर हाउसहोल्ड में आजकल ज्यादा इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू द रिच हाउसहोल्ड अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरियाज. एंड जैसा कि मैंने कहा था, द बेयर नेसेसिटीज अगर हमें मिलेंगी ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होगा. सो व्हेन देयर इज एन इम्प्रूव्ड इन द एक्सेस ऑफ बेयर नेसेसिटीज, इट हैज लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ इंडिकेटर्स एज वेल, एंड विच ऑटोमेटिकली इम्प्रूव द एजुकेशन इंडिकेटर्स एज वेल. सो दीज वर फ्यू की फाइंडिंग्स ऑफ द बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स विच वॉज मेंशनड इन आर इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में भी मेंशन किया है जो गवर्नमेंट ने लिया है टू इम्प्रूव आर बेयर नेसेसिटीज, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य एंड उज्ज्वला योजना और ऑल दी स्कीम्स. सो इकोनॉमिक सर्वे मेंशन किया गया है कि दी स्कीम्स हैज हेल्प्ड अस टू इम्प्रूव आर बीएनआई. लेट अस सी अबाउट दी स्कीम्स इन डिटेल्स. पहला है स्वच्छ भारत मिशन रूरल. इसका ऑब्जेक्टिव था टू अटेन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019 तक बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू दी टॉयलेट फैसिलिटीज टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री. नेक्स्ट वन इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. इसका टारगेट था टू अचीव 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंड 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट विच इज बीइंग जनरेटेड इन द कंट्री. सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन रूरल एंड अर्बन. नेक्स्ट स्कीम वॉज प्रधानमंत्री आवास योजना. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हाउसिंग हाउसिंग फैसिलिटीज मिले टू ऑल द अर्बन एंड रूरल एरियाज बाय 2022. नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन. इसका गोल है टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2024 एंड साथ ही साथ एश्योर करें कि प्रॉपर पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई हो रहा है एट द सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस बाय इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शंस. नेक्स्ट स्कीम इज सौभाग्य, दैट इज सहज बिजली हर घर योजना. ये लॉन्च किया गया था टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द विलिंग unelectrified household in rural areas and all willing poor households in urban areas in the country by March 2019. Next scheme is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. ये स्कीम है, ये लॉन्च किया गया था सो दैट कि हम प्रोवाइड कर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके क्लीन कुकिंग फ्यूल टू द पुअर हाउस होल्ड, जिनका टारगेट था टू प्रोवाइड 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन. सो ये सब कुछ स्कीम्स हैं जिसने हेल्प किया है हमारी बेयर नेसेसिटीज को इम्प्रूव करने के लिए. सो लेट अस सी फ्यू चैलेंजेस डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड इम्प्रूवमेंट. जैसे कि हमने देखा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है 2012 से 2018 तक, बट फिर भी अभी भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज हैं टू दिस एक्सेस ऑफ द बेयर नेसेसिटीज विच ऑल इन द अर्बन एंड एरियाज एंड द रूरल इंडिया. ऑल्सो जैसे कि हमने पढ़ा बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने बना लाए हैं टू इम्प्रूव दिस बेयर नेसेसिटीज ऑफ आर एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज, बट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्कीम बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स हैव बिकम इनफ्रक्टर्स विद द पुअर कोऑर्डिनेशन. मतलब बेसिकली वो काम नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है एंड कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस नहीं है इन स्कीम्स का. ऑल्सो द बेसिक पब्लिक गुड्स सच एज सीवेज, सैनिटेशन एक्सेट्रा, दे आर नॉट डिलीवर्ड इफेक्टिवली एंड दे आर नॉट डिलीवर्ड टू ऑल द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज. सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस विच वी मस्ट एड्रेस टू. सो लेट अस सी द वे फॉरवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जो भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं हमें ये देखना होगा, हमें मॉनिटर करना होगा कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो दैट वी रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ दिस एक्सेस ऑफ आवर बेयर नेसेसिटीज. एंड साथ ही साथ हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी फैसिलिटीज ये प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही हैं इट रीच टू देयर इंटेंडेड बेनिफिशियरीज. Also, government should improve the quality of the public goods, जैसे कि sanitation and sewage, to reduce the inequality. Experts ने एक और बात कही है, that is access to internet.
जो एक्सेस टू इंटरनेट है राइट नाउ, इट इज अ न्यू बेसिक नेसेसिटी, बिकॉज अगर हमें एक्सेस टू इंटरनेट नहीं मिलेगा तो अ लार्ज पोर्शन ऑफ आर पॉपुलेशन वुड रिमेन डिवॉइड ऑफ ई एजुकेशन, ई मेडिसिन, ई गवर्नेंस एक्सेट्रा, विच इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. दैट इज वाई वी नीड टू लुक फॉर दिस एक्सेस ऑफ इंटरनेट एज अ न्यू बेसिक नेसेसिटी एज वेल. ऑल्सो देर इज अ नीड टू हैव अ स्पेशल फोकस और स्पेशल अटेंशन ऑन पब्लिक हेल्थ. एज आईव डिस्कस वन ऑफ द चैलेंज एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्कीम्स. सो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्कीम्स जो है, इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करना होगा, बिकॉज देर आर ओवर 250 स्कीम्स विच आर सिमिलर. सो इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, कोऑर्डिनेटेड इन अ प्रॉपर वे. सो टू ब्रिज द गैप ऑफ दिस इनइक्वालिटी, हमें एक बेटर सिनर्जी की जरूरत है बिटवीन द सेंटर, स्टेट्स एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट्स. ऑल्सो हमें ये पॉलिसी मेकर्स को ये देखना होगा कि जो भी हम स्कीम्स बना रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक वे में हो. दैट इज जैसे कि अभी के टाइम में एक्सेस टू इंटरनेट को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ न्यू बेसिक नेसेसिटी. सो ऑल्सो स्कीम्स एंड आइडियाज ऑफ बेयर नेसेसिटी शुड बी नीड्स टू बी फ्यूचरिस्टिक बिकॉज इट कैन चेंज ओवर द ईयर्स. सो दीज आर फ्यू मेजर्स विच वी कैन एडियर टू इम्प्रूव आर बेयर नेसेसिटीज, टू इम्प्रूव आर एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज. सो या दैट्स ऑल फॉर टूडे. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. यू कैन ऑल्सो जॉइन आर टेलीग्राम चैनल विच इज एट द रेट SOMP गाइडेंस फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू.